नमस्कार, मैं चित्रा सरवारा। आज हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर से कुछ कहना चाहूंगी। अंबाला में पिछले दो दिनों से अभिभावक स्कूलों के बाहर धक्के खा रहे हैं। उनके बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट्स उनको नहीं दिए जा रहे, कहीं पे उन्हें टीसीज नहीं दिए जा रहे। पेरेंट्स स्कूलों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और जब उन्हें वहां से न्याय नहीं मिल रहा तो सड़कों पे लेट रहे हैं, रात रात तक धरने पे बैठे हैं। हम आशा करते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि हमारी अथॉरिटीज, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और एजुकेशनल मिनिस्टर हैं, वो तुरंत इस जो है घटना का, इस मुश्किल का संज्ञान लेंगे और इसमें निवारण करने के लिए मैदान में उतरेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम आई है जब से कोरोना आया है। दो साल के कोरोना काल के अंदर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़े हैं और तब से ये विवाद शुरू हुआ है कि फीस कितनी हो और कैसी हो। सब जानते हैं कि दो साल के अंदर नौकरियां मिट गई हैं, नौकरियों के अंदर जो तनख्वाह मिलती थी वो मिट के आज पहले से बहुत कम हो गई है। और सरकार ने इसको चलते बहुत सी बातें और नोटिफिकेशंस बीच में निकाले, जिसमें सबसे पहली राहत ये थी कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास से नहीं निकाला जा सकता। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो ये गलत है, चाहे फीस दी है चाहे नहीं दी है। फिर उसके बाद एक लड़ाई लड़नी पड़ी कि बच्चों को एग्जाम में बैठने से कोई मना नहीं कर सकता, फीस दी है या नहीं दी है। और फिर उसके बाद एक बार फिर पेरेंट्स को एक और लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि रिजल्ट्स उन्हें दिए जाएंगे, फीस दी है कि नहीं दी है। ये बात इतनी बार आगे उठ चुकी है, इतनी बार पेरेंट्स कभी स्कूल के कभी डीओ के दरवाजे खटखटा चुके हैं। आज तक कंफ्यूजन क्यों बनी हुई है? बनी इसलिए हुई है कि जितनी भी नोटिफिकेशन सरकार ने निकाली है, किसी के अंदर कोई डायरेक्ट शब्द किसी तरह का क्लैरिटी वाला नहीं है कि क्या चार्जेस होंगे, कौन से माफ होंगे, एनुअल चार्ज होगा कि नहीं होगा। इसके अंदर यह भी आया है कि स्कूल्स को 10% अलाउड है, 5% अलाउड है। तो आप उसके अंदर साफ देख सकते हैं कि जो स्कूल्स फॉर्म 6 भरा करते थे वो 18-19 और 19-20 का कितना था और 20 जो है 21 और 21-22 का कितना है, उसमें साफ पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस सारे प्रकरण में क्या हो रहा है? हम नहीं कहते कि सिर्फ स्कूल पेरेंट्स को रौंद रहे हैं, शायद स्कूलों की अपनी मुश्किल होगी उनका पक्ष रखने के लिए, उनकी बहुत स्ट्रांग कमेटी है, लेकिन ये साफ जाहिर है कि पेरेंट्स पिस रहे हैं और पेरेंट्स के साथ जो है उनके बच्चे पिस रहे हैं। इतना बड़ा जो है स्ट्रेस, इतना बड़ा खिलवाड़ हमें अपने बच्चों के साथ, अपनी आम जनता के साथ नहीं करना चाहिए। सरकार को क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि जो उनकी नोटिफिकेशन है डज इट स्टैंड ऑन ऑट। और मैं एक बात हमारी सरकार से कहना चाहूंगी कि सरकार का काम मात्र नियम बनाना नहीं होता, नियम लागू करवाना भी होता है। कोई भी क्राइम अगर होता है तो सबको पता है चोरी नहीं होनी चाहिए, चोरी हुई है तो कौन सही है गलत है और क्या सजा है। इस सजा को दिलवाने के लिए, इस न्याय को दिलवाने के लिए भी सरकार बीच में होती है। एजुकेशन के फील्ड में सरकार ने नोटिफिकेशन और नियम बनाती जा रही है, लेकिन ये नहीं पता कि न्याय पाने के लिए अभिभावक। नमस्कार, मैं चित्रा सरवारा। आज हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर से कुछ कहना चाहूंगी। अंबाला में पिछले दो दिनों से अभिभावक स्कूलों के बाहर धक्के खा रहे हैं। उनके बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट्स उनको नहीं दिए जा रहे, कहीं पे उन्हें टीसीज नहीं दिए जा रहे। पेरेंट्स स्कूलों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और जब उन्हें वहां से न्याय नहीं मिल रहा तो सड़कों पे लेट रहे हैं, रात रात तक धरने पे बैठे हैं। हम आशा करते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि हमारी अथॉरिटीज, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और एजुकेशनल मिनिस्टर हैं, वो तुरंत इस जो है घटना का, इस मुश्किल का संज्ञान लेंगे और इसमें निवारण करने के लिए मैदान में उतरेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम आई है जब से कोरोना आया है। दो साल के कोरोना काल के अंदर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़े हैं और तब से ये विवाद शुरू हुआ है कि फीस कितनी हो और कैसी हो। सब जानते हैं कि दो साल के अंदर नौकरियां मिट गई हैं, नौकरियों के अंदर जो तनख्वाह मिलती थी वो मिट के आज पहले से बहुत कम हो गई है। और सरकार ने इसको चलते बहुत सी बातें और नोटिफिकेशंस बीच में निकाले, जिसमें सबसे पहली राहत ये थी कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास से नहीं निकाला जा सकता। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो ये गलत है, चाहे फीस दी है चाहे नहीं दी है। फिर उसके बाद एक लड़ाई लड़नी पड़ी कि बच्चों को एग्जाम में बैठने से कोई मना नहीं कर सकता, फीस दी है या नहीं दी है। और फिर उसके बाद एक बार फिर पेरेंट्स को एक और लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि रिजल्ट्स उन्हें दिए जाएंगे, फीस दी है कि नहीं दी है। ये बात इतनी बार आगे उठ चुकी है, इतनी बार पेरेंट्स कभी स्कूल के कभी डीओ के दरवाजे खटखटा चुके हैं। आज तक कंफ्यूजन क्यों बनी हुई है? बनी इसलिए हुई है कि जितनी भी नोटिफिकेशन सरकार ने निकाली है, किसी के अंदर कोई डायरेक्ट शब्द किसी तरह का क्लैरिटी वाला नहीं है कि क्या चार्जेस होंगे, कौन से माफ होंगे, एनुअल चार्ज होगा कि नहीं होगा। इसके अंदर ये भी आया है कि स्कूल्स को 10% अलाउड है, 5% अलाउड है। तो आप उसके अंदर साफ देख सकते हैं कि जो स्कूल्स फॉर्म 6 भरा करते थे वो 18-19 और 19-20 का कितना था और 20 जो है 21 और 21-22 का कितना है, उसमें साफ पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
इस सारे प्रकरण में क्या हो रहा है। हम नहीं कहते कि सिर्फ स्कूल पेरेंट्स को रौंद रहे हैं, शायद स्कूलों की अपनी मुश्किल होगी उनका पक्ष रखने के लिए, उनकी एक बहुत स्ट्रांग कमेटी है, लेकिन ये साफ जाहिर है कि पेरेंट्स पिस रहे हैं और पेरेंट्स के साथ जो है उनके बच्चे पिस रहे हैं। इतना बड़ा जो है स्ट्रेस, इतना बड़ा खिलवाड़ हमें अपने बच्चों के साथ, अपनी आम जनता के साथ नहीं करना चाहिए। सरकार को क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि जो उनकी नोटिफिकेशन है डज इट स्टैंड ऑन नॉट। और मैं एक बात हमारी सरकार से कहना चाहूंगी कि सरकार का काम मात्र नियम बनाना नहीं होता, नियम लागू करवाना भी होता है। कोई भी क्राइम अगर होता है तो सबको पता है चोरी नहीं होनी चाहिए, चोरी हुई है तो कौन सही है गलत है और क्या सजा है। इस सजा को दिलवाने के लिए, इस न्याय को दिलवाने के लिए भी सरकार बीच में होती है। एजुकेशन के फील्ड में सरकार ने नोटिफिकेशंस और नियम्स बनाती जा रही है, लेकिन ये नहीं पता कि न्याय पाने के लिए अभिभावक